गोपाल जी महाराज साहब की क्या बात है, इतने सारे भक्त यहाँ पर हैं और आवाज बिल्कुल नहीं। विश्व संत उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की बिल्कुल भी आनंद नहीं आया। और दिल्ली ऊंचा सुनती है, ध्यान रखना, एक बार जोर से जयकारा लगाओ और जोर से जयकारा लगाओगे तो लक्ष्मी जोरदार बरसेगी। बोलिए महान चमत्कारी दादा गुरुदेव श्री ज्येष्ठ मल जी महाराज साहब की जय। ऊंचा देवलोक सु आवोनी गुरु सा, ऊंचा देवलोक सु आवोनी गुरु सा, दर्शन करवाने तरसे आकरी हो, दर्शन करवाने तरसे आकरी, अमीरस बरसावता अमीरस सबसे पहले मैं नमन करूंगी मेरे दादा गुरुदेव महान चमत्कारी श्री ज्येष्ठ मल जी महाराज साहब को, विश्व संत उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब को, आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब को, कि जिनकी आशीर्वाद से उनके ही नाम का ये आराधना केंद्र बनने जा रहा है। उसके बाद वंदन और नमन करूंगी जिनकी पावन प्रेरणा इन गुरु पुष्कर के भक्तों को मिली है, ऐसे दक्षिण के सम्राट घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब, दक्षिण सिंहनी परम पूज्या गुरुवरिया डॉक्टर श्री दर्शन प्रभा जी महाराज साहब को, कि जिनकी पावन प्रेरणा से आज ही आपको माहौल दिखने को मिल रहा है। उसके बाद नमन करूंगी मेरी दादी गुरुवरिया को, कि जिनका आशीर्वाद हमें निरंतर मिल रहा है, ऐसे चारित्र प्रभा जी महाराज साहब को, और चंदन वाला पाठ को सुशोभित करने वाली ज्ञान दर्शन चारित्र के झूले में झूलने वाले ऐसे अत्र विराजित परम पूज्या गुरुवरियाओं के पावन श्री चरणों में मेरा भाव भरा वंदन नमन। गुरु ज्येष्ठ पुष्कर नरेश दरबार में पधारे हुए सभी गुरु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन। आज मैं कोई प्रवचन देने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, क्योंकि आप सभी को पता ही है, सबको पता लग ही गया है कि आज मेरी गुरुवरिया को उप प्रवर्तनी पद से अलंकृत किया जा रहा है। तो आज मुझे बड़ी ही खुशी है कि आज गुरुवरिया को क्या मिल रहा है, यह पद मिल रहा है। मैंने गुरुवरिया को देखा है बड़ी नजदीक से कि गुरुवरिया को पद का कोई मोहताज नहीं है, गुरुवरिया पद से हमेशा दूर रहती है, लेकिन गुरुवरिया के कार्य को देखकर, गुरुवरिया के कार्य दक्षता को देखकर और हमेशा गुरुवरिया को अनेकानेक पदवी मिलती जाती है। कहते हैं कि जो काम करता है उसको नाम तो हमेशा हो ही जाया करता है, ऐसे ही नाम होता नहीं है। तो आज तीन तीन प्रसंग हमारे सामने हैं। कौन से हैं आप बताएंगे, तीन तीन प्रसंग कौन कौन से हैं? तीन प्रसंग, सबसे पहला है भूमि पूजन शिलान्यास का, कि ये गुरु ज्येष्ठ पुष्कर आराधना केंद्र का क्या हो रहा है। भूमि पूजन हुआ है, शिलान्यास हुआ है, हाँ शिलान्यास हुआ है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ बंसाली परिवार को, कि जिन्होंने ऐसे आराधना केंद्र का क्या किया है, शिलान्यास किया है, भूमि पूजन किया है, और वास्तव में ये जो भवन बनेगा फ्यूचर के अंदर ये बड़ा उपयोगी होगा। इनका तो जब से जब जब ये इनका यहाँ पर जो लोग साधु संत आएंगे, जो लोग आएंगे, तो सबसे पहले इनके पुण्य का बंद होगा, क्योंकि पाप के अंदर तो हर कोई पैसा खर्च करता है, लेकिन जहां पर सदुपयोग होता है, जहां पर पुण्य का बंद होता है, वहां पर कोई विरला ही क्या करता है, पैसे का सदुपयोग करता है। तो आज बहुत बहुत साधुवाद है बंसाली परिवार को। दूसरा प्रसंग है परम पूज्य गुरुवरिया दक्षिण सिंहनी संगोन्नाई का, गुरुवरिया को आज उप प्रवर्तनी पद से अलंकृत करने के लिए हमारे सामने प्रवर्तनी जी पधारे हैं, और 23-23 थाने से यहाँ पर वो पधारे हैं, तो उनका भी हम बहुत बहुत साधुवाद अभिनंदन करते हैं। और तीसरा प्रसंग कौन सा है, कौन सा है तीसरा प्रसंग?
उपध्यान के लिए। तीसरा प्रश्न, उपध्यान नहीं है आज। तीसरा प्रसंग है मिनी साध्वी सम्मेलन, यानी कि आज हमें पहली बार प्रवर्तनी जी से क्या हुआ है, मिलना हुआ है। 23-23 थाने से आज ये मधुर मिलन गुरु ज्येष्ठ पुष्कर आराधना केंद्र की भूमि के ऊपर हुआ है। तो आज ये तीन तीन प्रसंग हमारे सामने हैं। तो मैं आज गुरुवरिया के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि गुरुवरिया को जो ये पद मिल रहा है, ये पद से गुरुवरिया का गौरव नहीं, इस पद से इस पद का गौरव बढ़ रहा है, क्योंकि गुरुवरिया के अंदर इतनी एबिलिटी है, गुरुवरिया के अंदर इतने सारी एबिलिटीज है कि मैं उनका वर्णन भी नहीं कर सकती। उनके अंदर गुड बिहेवियर है, यानी हर किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करना, ये गुरुवरिया का पहला काम है। दूसरा है गुरुवरिया के अंदर गुड एटीट्यूड है, हमेशा गुणों को देखते हैं, कभी भी दुर्गुणों को देखते नहीं है। तो ऐसे गुरुवरिया के अंदर बाइंडिंग नेचर है। अभी हाल ही हम चामराज पेट संघ के अंदर चातुर्मास करके आए, लोगों ने हमें कहा कि महाराज साहब आपने कहां चातुर्मास खोल दिया, अरे वहां तो श्रमण संघ का कोई नहीं है, वहां तो सारे दूसरे लोग जाते हैं, हमें ऐसा कहा। तब गुरुवरिया ने कहा कि जब मैं जाऊंगी तो मुझे श्रवण संघ वाले सारे के सारे मिल जाएंगे, यानी कि गुरुवरिया के अंदर बाइंडिंग नेचर है, हमेशा वह संप्रदाय की बात कभी नहीं करते हैं। जहां पर भी जाते हैं तो सबसे पहले एक ही बात कहते हैं, जो महावीर से जुड़े हैं वो मेरे पास आना, और जो संप्रदाय से जुड़े हैं वो मेरे से दूर रहना, क्योंकि मैं महावीर की उपासक हूँ, मैं महावीर की फॉलोअर्स हूँ, तो इसलिए मेरे पास भी कौन आना, जो महावीर को मानते हैं वो मेरे पास आना। तो हमेशा गुरुवरिया जहां जहां चातुर्मास करते हैं वहां जाओ जलाली करके आते हैं, और श्रवण संघों को उच्च शिखर पर पहुंचाकर आते हैं। तो आज गुरुवरिया को ये पद मिल रहा है, तो मुझे बड़ी ही खुशी है, बड़ी ही प्रसन्नता है कि आज गुरुवरिया इस पद से क्या होगी, अलंकृत होगी। तो आज मैं भी गुरुवरिया को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि गुरुवरिया आप हमेशा स्वस्थ मस्त और प्रसन्न रहना, और हमेशा ऐसे ही शासन की सेवा करते रहना, और पधारे हुए सभी साध्वी जी भगवंत को, भी मैं वंदन नमन और स्वागत करती हूँ। और उदयपुर से हमारे महाराज साहब की गुरु बहने परम पूज्य श्री विनेश्री जी महाराज साहब, परम पूज्य श्री राज श्री जी महाराज साहब, परम पूज्य श्री मेघा श्री जी महाराज साहब, समीक्षा जी महाराज साहब, नमिता जी महाराज साहब आदि थाना 5 की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई महाराज साहब के लिए आई है। और पूज्य गुरुदेव श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब के वहां से भी आदर की चादर गुरुवरिया के लिए भेजी गई है, और हमारे चामराजपेट संघ की तरफ से ही गुरुवरिया को आदर की चादर भेंट की जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी अशोक जी डोका को कि जिनकी पावन ये प्रेरणा रही है, और बहुत बहुत धन्यवाद है मंजू जी लुकड़ को कि जिनकी भी क्या राह है, ये सहयोग राह है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पूज्य चरित्र प्रभा जी महाराज साहब गुंडी मैया, जिनके सुशिष्या डॉक्टर दर्शन प्रभा जी आदि थाना 30 है, उनके देवलोकगमन होने के पश्चात वो पद जो उपप्रवर्तनी पद है वो आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की कृपा से कह सकता हूँ, या उनके आशीर्वाद से, और हमारे उपप्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने, दोनों ने, प्रवर्तक श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने यह पदवी डॉक्टर दर्शन प्रभा जी को दिया है कि आप ये चरित्र सिंगाड़ा जो है उसके आप अभी मुखिया होंगे। तो मैं इस शुभ अवसर पर श्री गुरु ज्येष्ठ पुष्कर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से और सभी गुरु भक्त की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। अब मैं चादर के लिए गुणी मैया सभी से निवेदन करूंगा, हमारे ट्रस्ट मंडल की ओर से सभी गुणी मैया को चादर लाइए। नहीं नहीं, पहले मारा सबको आदर की चादर। नहीं गुणी मैया, आप ये दर्शन प्रभा जी को तो अब मिल रही है, आप तो पहले राजस्थान प्रवर्तनी, महाराष्ट्र प्रवर्तनी, उप प्रवर्तनी, राजस्थान प्रवर्तनी, उप प्रवर्तनी, आपको पदवी पहले ही मिल चुकी है, ये तो आपकी शिष्याएं हैं, इसलिए उनकी भावना है कि पहले आपको हम हमारे ट्रस्ट मंडल की ओर से आपको चादर भेंट करें, आदर की चादर स्वीकार करें। देखिए हमारे महाराष्ट्र प्रवर्तनी नवकार आराधिका
परम विदुषी महासती श्री प्रतिभा जी महाराज साहब ज्येष्ठ पुष्कर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आदर की चादर उड़ाई जा रही है और ये हमारी बहन है, बहुत लंबो है आप क्या है कि वो उड़ाएंगे और उसके बाद जल्दी से राजस्थान प्रवर्तिनी शासन सौरभ सरल स्वभावी परम विदुषी महासती श्री सुप्रभा जी महाराज साहब को, क्योंकि समय कम है और कम समय में ज्यादा काम करना है। हनुमान श्रीमान दिनेश जी चोपड़ा हमारे गुरुदेव, गुरुदेव रो बुला रहे पूज्य गुरुदेव दक्षिण सम्राट गौर तपस्वी नरेश मिलन जी महाराज साहब, सरल स्वभावी शालीभद्र जी महाराज साहब जो अभी हैदराबाद में विराजे हुए हैं, वहां पर कल ही दीक्षा का महोत्सव संपन्न हुआ है, उनका संदेश श्रीमान दिनेश जी चोपड़ा पढ़कर सुनाएंगे। ज्येष्ठ पुष्कर साधना केंद्र के आयाम को लेकर उत्साहित परम गुरु भक्त परम आस्थावान सुश्रावकों के प्रति हार्दिक शुभकामना, अनंत अनंत आशीर्वाद। आपका यह कार्य दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति के सोपानों को उपलक्ष्य हो। आपने जो विशाल विराट हृदय का परिचय दिया है काबिले तारीफ है, आप सभी धन्यवाद के पात्र है। श्रीयुत सम्माननीय उदार मना भामाशाह सुश्रावक श्रीमान मीठालाल जी भरत जी भंसाली के प्रति मंगल मनीषा, आपने जो गुरु भक्ति गुरु निष्ठा समर्पण का भाव दर्शाया है, आपका भव्य भावनाएं प्रशंसनीय सलंगनीय अनुकरणीय है। आपका संस्था के प्रति जो झुंझारूपन है, श्रावक को देते तो हाथ लगाते हैं। हर्ष हर्ष दक्षिण सीनी स्पष्ट वक्ता उप प्रवर्तनी श्री दर्शन प्रभा जी महाराज साहब की, उप प्रवर्तनी श्री दर्शन प्रभा जी महाराज साहब की बहुत ही हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं गुणी मैया को। अब अशोक जी धोखा आपके समक्ष और चामराज पेट संघ की तरफ से भी आदर की चादर उड़ाई जाएगी, कृपया जल्दी पधार है। देखिए चामराज पेट श्री संघ के नाम बोलो जो मेरे लिए चादर लाए, इनका तो इन्होंने मुझे इतना गिफ्ट दिया, इस चादर की जरूरत नहीं थी, फिर भी इनका प्रेम है। 600 पोशाक एक समश्री के दिन क्या इन्होंने तब की भेंट दी है इस चामराज खेत को, जब तक मेरे धड़कन है मैं कभी नहीं बुला सकती और विश्वास है ये संघ भी मुझे कभी बुला नहीं सकता। काफी दानदाताओं ने आज के इस जो ये विशाल भवन यहाँ पर निर्माणाधीन है निर्माण होने जा रहा है उसमें काफी दानदाताओं का सहयोग यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आप देखिए सबसे पहले हमारे इस भवन के अंदर अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, उसके अंदर हमारे सुश्रावक दानवीर भामाशाह, मैं कभी इतिहास में पढ़ा करती थी कि दानवीर भामाशाह हुए जगड़ू शाह हुए, इतिहास में पढ़ा इतिहास में सुना, पर आज मैंने साक्षात देखा कि यहाँ पे कितने दानवीर भामाशाह हैं। आप देखिए ये भवन निर्माण किसी एक जने से नहीं होता, ये जगन्नाथ का रथ है, जब हजार व्यक्ति इसको धक्का लगाते हैं तब ये भवन का क्या होगा निर्माण होगा। आप देखिए अभी कोरोना काल के अंदर हॉस्पिटल के अंदर 25-25 लाख का बिल पेमेंट किया आपने, 50-50 लाख का बिल पेमेंट किया किसके लिए, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए। आप देखिए
मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि ये भवन निर्माण किसी एक से नहीं, हजारों व्यक्तियों का सहयोग होता है तब क्या होता है, इस कार्य को संपूर्णता मिलती है। तो देखिए ये भवन निर्माण के लिए ये भूमिका कहां से बनी, ये 4 महीने 5 महीने की भूमिका नहीं है। आप देखिए ये भूमिका कहां की है, जिस समय गुरुदेव क्या है, गुरुदेव नरेश मुनि जी का एक सपना और हमारे शालीवत जी महाराज साहब मधुर व्याख्यानी उनकी एक प्रबल प्रेरणा, उनका एक सपना था कि दक्षिण प्रांत बेंगलोर के अंदर एक व्यावच ऐसा भवन बने। आप देखिए, और मुझे आज श्रावकों पे नाज है, मेरे गुरु भक्तों पे मुझे गौरव है कि जिन्होंने गुरु के एक शब्द पे और इस योजना को साकार करने के लिए अपना तन मन और धन क्या किया, समर्पित किया। और नरेश मुनि जी महाराज साहब के मन में ये भाव कब आए, जिस समय गुरुदेव राजस्थान दक्षिण सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब मेवाड़ के अंदर विचरण कर रहे थे, उन्हें एक संत मिले और कहने लगे, नरेश मुनि इस साधु जीवन से अच्छा है क्या है कि मर जाना शेष करे। उन्होंने पूछा क्यों, सुनाऊं आपको क्यों, तब आपकी आंखें खुलेंगी। उन्होंने कहा महाराज कि जब मेरी जवानी थी, जब मेरे में शक्ति थी, ये श्रावक वर चातुर्मास की विनती करते थे और मुझे ठहराने के लिए बार बार आग्रह करते थे, आज मेरी शक्ति क्या हो गई, खत्म हो गई, इसलिए ये मुझे पूछते नहीं है, इससे क्या फायदा। अब आप सोचिए जरा कि आज हमारी समाज जहां बड़े बड़े थाना के जब थानापति बैठने की बात आती है, हर श्रावक के मन में होता है कि नए नए साधु भगवंत आए, नई नई साधवियां जी आए, और ये चातुर्मास, आपको चातुर्मास कैसे चाहिए, कैसे चाहिए बोलो तो सही, फर्स्ट क्लास कैसे चाहिए, अरे बोलो तो सही, मोहन ग्यारस को ये आपको चातुर्मास फर्स्ट क्लास चाहिए, और जब फर्स्ट क्लास चातुर्मास चाहिए उसके लिए कार्यशैली भी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास। तो देखिए उस समय गुरुदेव के मन में एक भाव आया, राजस्थान दक्षिण सम्राट श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब, और उन्होंने एक ये कर्नाटक का नहीं, कर्नाटक के अंदर भी 5-5, 6-6 भवन की क्या है, उनकी प्रेरणा से साकार हुए। आप देखिए सबसे बड़ी बात, कभी कहीं पे उन्होंने अपना नाम नहीं लिखाया, उनके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा थी, और जब गुरु के प्रति श्रद्धा होती है तो भाव अपने आप निकल जाते हैं। और याद रखना, जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है फिर किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। तो गुरु का आशीर्वाद उनको खूब मिला है और उसी कारण वो जो भी प्लानिंग अपने हाथ में लेते हैं उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। आप देखिए कोपल के अंदर उन्होंने एक मिट्ठालाल जी चोपड़ा को कहा कि तुम्हें क्या करना है, जगह लेके भवन बनाना। ऐसे भक्त एक शब्द के ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने 3 मंजिल भवन अकेले ने बना के तैयार कर दिया। उसके बाद जिस समय गंगावती में गए और कहा सुरेश भाई सालेचा तुझे जमीन लेके भवन का निर्माण करना है, और गुरु के शब्दों पे उसने क्या चढ़ाया, अर्क चढ़ाया। आप देखिए बस उसी समय क्या उसने स्थानक बढ़िया बना करके क्या कर दिया, तैयार। फिर गुरुदेव पूना पधारे और पूना के अंदर सिर्फ 1 मीटिंग की गुरुदेव ने, और 1 मीटिंग के अंदर 15,000 स्क्वायर फीट के अंदर एक बहुत बड़ा क्या बन रहा है, गुरु पुष्कर साधना केंद्र, जो कि अब संपूर्णता की तरफ है।
उसके बाद गुरुदेव हुबली पधारे और हुबली वालों ने भी मन में विचार किया हमें भी गुरुदेव के नाम का कुछ बनाना। और अभी बल्लारी के अंदर सुश्रावक छगन लाल जी श्री श्रीमाल उन्होंने भी अपनी 15,000 स्क्वायर फीट जमीन इस कार्य के लिए क्या ही दे दी है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा समुद्री जो जयस गुरु देव का क्या है पावन धाम है। और ये सारी ऊर्जा कहां से मिलती है? जयस गुरु पावन धाम से। और वही ऊर्जा काम कर रही है उसके बाद, क्योंकि सबसे पहले धाम किसका बनाया गुरुदेव ने, याद है कहां का बनाया? बोलो तो सही, समदरी का। उसके बाद उपाध्याय पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, फिर उनका बनाया। उसके बाद चित्रदुर्गा में गए और वहां पे प्रेरणा दी और गुरुदेव की एक प्रेरणा में 10 मिनट में पैसा क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। आप देखिए उन्होंने जो कुछ भी किया वो किसके लिए किया? अपने लिए नहीं किया। ना उन्हें कहीं थानापति बैठना है, ना उन्हें कोई अपना आसक्ति है, कोई पर्सनल नहीं है, ये समाज के सुपुर्द। उनकी एक ही काम है कि जिस साधु साध्वी ने जिन शासन के लिए पूरी जवानी समर्पित की, पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे समय में वृद्धावस्था के अंदर अगर ऐसे वृद्ध क्या है साधु साध्वी के व्यावच केंद्र होंगे तो उनकी समाधि बनी रहेगी। और जब समाधि रहेगी तो शांति मिलेगी और शांति मिलेगी तो उनकी सदगति होगी। अगर अंतिम समय समाधि नहीं मिली तो सदगति नहीं होती। तो देखिए बेंगलोर वालों ने ये जयस पुष्कर आराधना भवन का जो बीड़ा उठाया ये कोई मामूली बीड़ा नहीं है, पर ये गुरु की शक्ति है और गुरु की ताकत है। ये सब काम क्या होगा? बड़े आनंद पूर्वक होगा, कभी भी आपको कोई विघ्न बाधा आने वाली नहीं है।